स्टेट एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का दोस्तों फिर से का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में जो आज एम टेस्ट के सेकंड चैप्टर जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछेंगे, दोस्तों मैंने उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है, तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। फाइकस वेंगेलेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का बरगद का। दोस्तों फाइकस वेंगेलेसिस यह बरगद का एक क्या है वैज्ञानिक नाम है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बरगद। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि एक्वस वर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? सही आंसर है दोस्तों जीब्रा का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा जीब्रा। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर है दोस्तों ओडिशा राज्य का। दोस्तों घुमरा यह ओडिशा राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? सही आंसर है दोस्तों जैन धर्म के। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म के एक प्रबल अनुयायी थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा जैन धर्म। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि किए गए कार्य की दर क्या है? सही आंसर है दोस्तों सख्त। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई थी? सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि पंजाब राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? सही आंसर है दोस्तों 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 13। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? सही आंसर है दोस्तों राजस्थान राज्य का। दोस्तों घूमर या राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि पेरिस किस देश की राजधानी है? सही आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का फ्रांस की। दोस्तों पेरिस या फ्रांस देश की राजधानी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा फ्रांस। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई सिरसा और किसके बीच लड़ी गई थी? सही आंसर है दोस्तों हुमायूं के बीच। दोस्तों सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई या सिरसा सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हुमायूं। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर है दोस्तों सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी नायडू यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि केरल राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? सही आंसर है दोस्तों 20। दोस्तों यह 20 केरल की लोकसभा सीटों की संख्या है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 20। अगला प्रश्न दोस्तों यह पूछा गया था कि ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक भारत को किस खेल में प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है दोस्तों हॉकी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा हॉकी। अगला दोस्तों यह पूछा गया था कि लौकी कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है दोस्तों एनीमिया। दोस्तों एनीमिया या लौकी कमी के कारण होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा।